हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के चैप्टर पर। डायमेंशन निकालने का एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं 11th क्लास में, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि आपने डायमेंशन को कैसे निकालना है। तो इसका बहुत आसान तरीका होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमें ये क्वेश्चन निकालना है, ठीक, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम ये देखेंगे, हमें फॉर्मूला मालूम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी M1, M2 अपॉन R स्क्वायर। ये आप सबको मालूम है, ये क्वेश्चन हम करते हैं। F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, M1 और M2 मास और R डिस्टेंस। निकालने के लिए हम देखें जी इज इक्वल टू, तो एफ आर का मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब देखिए कैपिटल जी, अब इनका डायमेंशन लिख दीजिए, क्योंकि डायमेंशन जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो होता है F इज इक्वल टू MA, क्योंकि इसमें हम जो भी हमारा फॉर्मूला होता है उसके हम टुकड़े करके उसकी डायमेंशन रख सकते हैं। जैसे F इज इक्वल टू MA, क्योंकि F इसके अंदर इंक्लूड है, तो F इज इक्वल टू MA अगर हम करते हैं तो एम की तो पता है हमें कैपिटल M हो जाएगा, और A जो एक्सेलरेशन है उसका होता है LT-2, तो LT-2। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, F इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर T-2, और यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये LT-2, तो ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो L का स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास मास है तो हम लिख सकते हैं M और M, तो M से M कैंसिल इज इक्वल टू, ये M ऊपर जाके M-1 L power 2 और L power 3 एंड T-2, तो ये हमारी क्या निकल गई, डायमेंशन निकल गई ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। यहां देखो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर के P इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो यदि हम वर्क का निकालें तो वर्क का फॉर्मूला अलग से देख लेते हैं करके क्या होगा, FD, W इज इक्वल टू FD, तो W इज इक्वल टू F, F हमारे पास होता है फोर्स, तो फोर्स का हो गया MLT-2 और एक डिस्टेंस का हो गया L, तो वर्क का क्या हो जाएगा ML2T-2। तो इस वैल्यू को यदि हम यहां पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये हो गया एम एल स्क्वायर T-2 और नीचे क्या है टी, ये पावर ऊपर चली जाएगी, टी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर T-3, तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला निकल गया। और डियर स्टूडेंट्स अब आप इसके इस तरह से देखें, हम निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यदि हमें निकालना हो, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन में हम लगाते हैं कि आप लगा लीजिए इसके अंदर S इज इक्वल टू F ओवर L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू वही ML T-2 और L का डायमेंशन L, तो ये हम कैंसिल कर दें, तो इसका फॉर्मूला हो गया MT-2, ये हमारा क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आप इस तरह से ऐसे डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्रवीण सर की क्लास अटेंड करें और देखें अपना रिजल्ट। अब मान लीजिए हमें निकालना है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, इसको हम करते हैं आई से डिनोट, I इक्वल टू ये होता है एम आर स्क्वायर, तो सीधे सीधे पता है M की वैल्यू तो होती है कैपिटल M, मास, R डिस्टेंस, तो एम एल स्क्वायर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया एम एल स्क्वायर, और डायमेंशन को हमेशा ऐसे बड़े ब्रैकेट में हम लिखते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें निकालना पड़ जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है,
और आप सबको पता है ये 2π जो है इट इज डायमेंशनलेस, ये हमें क्लियर पता है। और न्यू जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लिखते हैं 1/T, तो दिस फॉर्मूला विल बिकम T-1। तो आप देखिए इस तरह से आप इसकी डायमेंशन को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमें निकालना पड़ जाए टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है सबको, तो टॉर्क तुम्हें पता है टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे टॉर्क जो है TORQUE टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, और ये था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सबको मालूम है। तो टॉ इज इक्वल टू, अब फोर्स का तो ऑलरेडी तुम्हें मालूम ही है फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का होता है MLT-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो ये हो जाएगा एल। तो आप इसको देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, अगर हम इसको कंप्लीटली करें तो ML²T-2 ये कंप्लीट आपका टॉर्क का फॉर्मूला भी हो गया है। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, आप स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालिए, आप बड़े सिंपल है, सीधे सीधे आप चलते जाइए स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है MLT-2 और एरिया L², तो ये कैंसिल हो जाएगा ML-1 और T-2। तो मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं इस तरह से, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे सरफेस एनर्जी का निकालना है, तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एनर्जी अपॉन एरिया होता है फॉर्मूला, क्या होता है एनर्जी अपॉन एरिया, सरफेस एनर्जी का क्या हो गया एनर्जी अपॉन एरिया, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हो गया आपके पास एनर्जी अपॉन एरिया। और एनर्जी का आपको पता ही है एनर्जी जस्ट लाइक द वर्क के बराबर है, तो ये हो जाएगा ML²T-2 और डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया का होता है L², तो L² से ये कैंसिल अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा MT-2। तो इस सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला भी आपने इसको निकाल लिया, ठीक है। हम इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला निकालना, तो हमारे पास ये क्या था टॉर्क का मैंने निकाल दिया आपको, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। Thank you.